जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करेंगे कोकिला व्रत के बारे में। देखिए, जो कोकिला व्रत है ये आषाढ़ मास के जो पूर्णिमा पड़ती है उसको मनाया जाता है। और ये देखा गया है कि यह व्रत ज़्यादातर दक्षिण में ही मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि उत्तर में नहीं मनाया जाता है, पर दक्षिण में यह व्रत ज़्यादा औरतें करती हैं। देखिए, इस व्रत का महत्व ये है कि इस व्रत को सिर्फ औरतें ही करती हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है तो अगर वो ये व्रत रखती हैं कोकिला व्रत, तो उनको बहुत अच्छा पति मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये व्रत इसलिए रखा जाता है और अच्छा पति मिले जिनका विवाह नहीं हुआ है, या जिनका विवाह हो गया है और उनका पति हमेशा साथ रहे, हमेशा अच्छा व्यवहार करे। तो यह व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो माता पार्वती ने भी आषाढ़ मास, पूरे आषाढ़ मास में व्रत रखा था और शिव जी को प्राप्त किया था दूसरे जन्म में। अब देखिए, इसकी व्रत कथा क्या है, हम आपको बताते हैं। देखिए, व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि जो भगवान शिव थे, उनके जो ससुर थे राजा दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने एक बार विशाल यज्ञ किया और उन्होंने अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया। तो भगवान शंकर चूंकि त्रिकालदर्शी, उनको मालूम पड़ गया कि उनके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, उनके ससुर यज्ञ कर रहे हैं राजा दक्ष, तो उन्होंने बताया सती माँ को। अब सती माँ चूंकि एकदम से ललायत हो गई अपने घर जाने के लिए, तो भगवान शंकर ने कहा देखो मत जाओ और वहाँ पर तुम्हारा अनादर होगा। पर सती माँ मानी नहीं और वो अपने घर के प्रेम के कारण वो चल दी और पहुँच गई मायके अपने। जब वो मायके अपने पहुँच गई तो वहाँ जब राजा दक्ष देखा तो उसको अच्छा लगा नहीं और उसने काफ़ी बुरा भला कहा भगवान शंकर को, जो कि सती माँ को अच्छा नहीं लगा। और जब उसने बहुत ज़्यादा बुरा भला कह दिया दक्ष ने, तब सती माँ कूद गई हवन की अग्नि में और उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया। तो जब यह शिव जी को जब मालूम पड़ा, उन्होंने अपने नेत्रों से देखा, तब एकदम से बहुत नाराज हो गए और उन्होंने वीरभद्र नाम के अपने गण को भेजा। अब वीरभद्र जो गण इतने बलवान थे कि जो भी देवता उनके आमने सामने आते उनको अंग भंग करके वो फेंक देते थे, और आखिरी में सबको मारते हुए वो पहुँच गए जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, और उन्होंने राजा दक्ष का गला वहीं काट के उसमें जला दिया वीरभद्र ने। अब देखिए, जब ये सब हो गया तो भगवान विष्णु ने देखा कि अब तो देवताओं बिल्कुल अंग भंग हो गए हैं, तो भगवान शंकर पास भाग के गए। तो भगवान शंकर ने कहा देखो ऐसा है कि जो हुआ वो तो गलत ही था, पर ठीक है, देवताओं ने चूंकि ऐसी कोई गलती नहीं की है तो उन्होंने देवताओं के अंग भंग ठीक कर दिए। पर उनको सती माँ पर बहुत क्रोध था, तो सती माँ को उन्होंने एक तरह से श्राप दिया कि तुम 10,000 वर्षों तक तुम कोकिला मतलब होता है कोयल के रूप में तुम रहोगी 10,000 वर्षों तक। तो जब उन्होंने श्राप दे दिया तो ये कहा जाता है कि सती माँ जो कि भस्म कर लिया था वो कोकिला रूप में आ गई थी और वो नंदन वन में 10,000 वर्षों तक रही हैं। और फिर जब उनका जब जन्म हुआ है पार्वती माँ के रूप में, तो उन्होंने आषाढ़ मास में पूरे महीने व्रत रखा भगवान शिव का और उन्होंने भगवान शिव को पा लिया। तो देखिए, इस दृष्टि से बड़ा ये महत्वपूर्ण व्रत है। और ये भी कहा जाता है कि अगर जो या इसको व्रत रखता है उसको अच्छा वर मिलता है, और जो जिन स्त्रियों के विवाह हो गए हैं अगर वो या व्रत रखती हैं तो वो हमेशा खुश रहेंगे, उनके पति हमेशा उनको चाहेंगे। अच्छा देखिए, यह व्रत देखा गया है कि व्रत 8-9 दिन चलता है और इसमें स्त्रियाँ जो हैं सवेर सवेर उठ के ब्रह्म मुहूर्त में रोज स्नान कर लेती हैं, और उसके स्नान करके वो फिर भगवान सूर्य की पूजा करती हैं, या भास्कर मतलब सूर्य महाराज होते हैं, या सूर्य भगवान की पूजा करती हैं, उसके बाद वो भगवान शंकर की पूजा करती हैं। तो ये तो अब देखिए, हर जगह अलग अलग पूजा करने का विधान होता है। तो अब जब यह स्त्रियाँ पूजा करती हैं तो इसलिए करती हैं क्योंकि भगवान शंकर खुश हों और उनको सब कुछ दें। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कोकिला व्रत क्या होता है, और यह कोकिला व्रत एक तरह से अगर देखा जाए तो माता पार्वती के रूप में ही होता है, जो भगवान शंकर को पाने के लिए उन्होंने किया था। तो उम्मीद समझ में आ गया होगा आपको कि कोकिला व्रत क्या है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय प्रभु।